हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले पाइथन के 3 सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम लोग पाइथन डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन डिक्शनरी क्या होता है? उसमें जो वैल्यू स्टोर होते हैं वो की डेटा और की पेयर के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन की पेयर फॉर्मेट। इट इज़ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। द डिक्शनरी इज डिफाइंड इन टू एलिमेंट की एंड वैल्यू। मतलब की होता है और की से एसोसिएट किया हुआ इसका वैल्यू होता है। की मस्ट बी अ सिंगल एलिमेंट। की क्या होता है, इसका सिंगल होना चाहिए। वैल्यू कैन बी आइदर लिस्ट, टपल और इंटीजर। पर इसका वैल्यू कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी। इन डिक्शनरी द वैल्यू कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट। की आर इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, डेट इज नंबर, स्ट्रिंग और टपल। मतलब की इम्यूटेबल होता है, की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि हम लोग एक बार डिफाइन कर दिए उसी की पे हम लोग सिर्फ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, की को चेंज नहीं कर सकते। की अलग से ऐड कर सकते हैं लेकिन की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखें क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी को। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर डिफाइंड नेम देते हैं डिक्शनरी का, इक्वल टू साइन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और उससे एसोसिएट वैल्यू, फिर कॉमा देके की और उससे एसोसिएट वैल्यू, ऐसे लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि DISC फंक्शन का यूज करते हैं। DISC फंक्शन के अंदर हम लोग जो भी सीक्वेंस को हम लोग को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता है उसको वही की पेयर और वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। जैसे देखिए DD इज इक्वल टू DICT लिखा है, इसके अंदर एक दो टपल है इसका मेंबर और दोनों टपल में एक टपल का वैल्यू 1 और A और दूसरे का वैल्यू 2 और B है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 जो होगा आपका की बन जाएगा और A जो होगा आपका वैल्यू बन जाएगा। और DICT इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ये एम्प्टी डिक्शनरी बता रहा है। अब हम लोग एक सिंपल सा डिक्शनरी बना के देखेंगे। D इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, की वैल्यू 1 में हम लोग स्टोर कर देते हैं मैंगो और की वैल्यू 2 में हम लोग स्टोर कर देते हैं ऑरेंज। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट डी करते हैं। देखिए ये डिक्शनरी बन गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे डी नाम का डिक्शनरी है, हम लोग बनाए कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा ए पहला की, उसके एसोसिएटेड वैल्यू मैंगो और दूसरा की 2, उसका एसोसिएटेड वैल्यू ऑरेंज हुआ। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट किए। अब हम लोग आगे देखेंगे और भी तरीका है, वही DISC फंक्शन का यूज करके हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाता है। डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बस प्रिंट फंक्शन के अंदर डिक्शनरी का नाम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से की का एसोसिएट वैल्यू आपको देख, कौन सा की का वैल्यू देखना है, उस की का आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वैल्यू अपडेट कर सकते हैं डिक्शनरी का। वी कैन ऐड और अपडेट की वैल्यूज यूजिंग मेथड्स। बस हम लोग नया की क्रिएट करके और उसमें वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और पुराने की में वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन पुराने की को हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि पुराना की इम्यूटेबल होता है। देखते हैं हम लोग करके, प्रिंट डी का एक नंबर की मैंगो वैल्यू आ गया। डी 3 नंबर इज इक्वल टू एप्पल। प्रिंट डी ये हो गया, ऐड हो गया एक एल वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें। नेक्स्ट जो है डिलीशन है। डिलीशन करके कैसे करेंगे, इसमें दो तरह से डिलीशन करेंगे। एक हम लोग डेल कीवर्ड का यूज करके, एक हम लोग पॉप मेथड का यूज करके। तो पहले डेल कीवर्ड देखते हैं। डिलीशन कैन बी डन बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड डेल डिक्शनरी नेम की।
इसे क्या होगा, जिस की के एसोसिएट और की को आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा। टेल डिक्शनरी नेम मतलब टू डिलीट होल डिक्शनरी, टेल डिक्शनरी नेम लिख देंगे तो डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। और दूसरी बात है बाई पॉप मेथड, दूसरा बाई पॉप मेथड है द पॉप मेथड इज एक्सेप्ट द की एज आर्ग्यूमेंट एंड रिमूव द एसोसिएट की वैल्यू डिक्शनरी डॉट पॉप की, ऐसे करके हम लोग इसको डिलीट कर सकते। तो ये हम लोग करके देखेंगे एक बार, एक और वैल्यू कर लेते हैं डिक्शनरी में ऐड, डी फोर इज इक्वल टू ग्रेप्स। ठीक, अब हमारे पास चार वैल्यू है, टी को हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट डी, डी का डी हम लोगों का चार वैल्यू का। चलिए अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डेल डी फोर। ठीक, अब हम लोग फिर से प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट मेरा वैल्यू डिलीट हुआ है कि नहीं, डी डिलीट हो गया है। चलिए फॉर डी फोर को फिर से एक बार लिखेंगे, डी फोर इज इक्वल टू, फिर से हम लोग ऑरेंज, ऑरेंज तो हो चुका है मैंगो, ऑरेंज एप्पल ग्रेप्स, फिर से कर देते हैं ग्रेप्स। ठीक हो गया, अब फिर से एक डिक्शनरी वैल्यू ऐड हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डी डॉट पॉप फोर, ये क्या करता है, पॉप फंक्शन का एक और बात बताना मैं भूल गई, ये रिटर्न करता है, जिसको डिलीट किया उसको रिटर्न भी करता है। तो ये डिलीट किया फोर को, तो ग्रेप्स को डिलीट किया है सॉरी, तो ये ग्रेप्स को रिटर्न भी करेगा। पहला वाला फंक्शन जो था डेल कीवर्ड, वहाँ कुछ रिटर्न नहीं होता था, लेकिन ये रिटर्न होता है। प्रिंट डी करा के एक बार फिर से देखेंगे, चलिए यही हुआ। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए अब डिक्शनरी को प्रिंट कैसे कराते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी के की को कैसे प्रिंट कराते हैं, डिक्शनरी के की को पहला नंबर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल फॉर आई इन डिक्शनरी नेम प्रिंट आई, इससे क्या होगा डिक्शनरी का की प्रिंट होगा बस। और दूसरा मेथड है फॉर आई इन डिक्शनरी नेम प्रिंट डिक्शनरी नेम के साथ अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई दे देंगे तो उससे क्या होगा वैल्यू प्रिंट होगा, जो वैल्यू डिक्शनरी में प्रिंट होगा। ठीक, ये दोनों पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग ग्रेप्स को जोड़ देते हैं, डी फोर इज इक्वल टू ग्रेप्स। ठीक, इसको रन करा लेते हैं। अब हम लोग फॉर आई इन डी प्रिंट आई रन हो गया, की रन की प्रिंट हो गया फॉर, इसी पे कर लेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग डी आई कर देंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू था। ठीक है, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे दो और मेथड जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, एक वैल्यू मेथड है एक आइटम्स मेथड है। वैल्यूज मेथड में क्या होगा, आइटम के साथ वैल्यू प्रिंट करेगा, देख लेते करके हम लोग। फॉर आई आई इन डी एक सेकेंड, जो जो वैल्यू उसको डी डॉट वैल्यूज देखिए वैल्यू प्रिंट किया। अब आइटम्स एक वह की उसके साथ एसोसिएट वैल्यू, की उसके साथ एसोसिएट वैल्यू, आइटम्स अगर डालेगा, यहाँ पे एक बात मेरे पीडीएफ में गलत हो गई, यहाँ वैल्यू नहीं होता, यहाँ वैल्यूज होगा और यहाँ आइटम्स है तो आइटम इसी होगा यहाँ पे। और साथ में कि आपका जो नेम है यहाँ पे
यहाँ पे आइटम क्या आउटपुट देगा, आइटम्स आउटपुट देगा आपको की, पहला की उससे एसोसिएट वैल्यू, फिर दूसरा की उससे एसोसिएट वैल्यू, डी डॉट आइटम्स प्रिंट आई। देखिए 1 का मैंगो, 2 का ऑरेंज, 3 का एप्पल, 4 का ग्रेप्स, हो गया। डिक्शनरी का प्रॉपर्टी की हमेशा म्यूटेबल, अब म्यूटेबल कैन एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कांट बी यूज्ड एज अ की ऑफ डिक्शनरी। की डिक्शनरी के की के रूप में कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। अगर हम लोग मोर देन 1 वैल्यू पास करते हैं की से, तो जो लास्ट वैल्यू हम लोग पास करते हैं की के लिए, उसी को की वैल्यू समझा जाता है। इफ वी पास मोर देन 1 वैल्यू टू अ सिंगल की, देन द वैल्यू विच वाट इज लास्ट असाइंड कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द की। बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या होता है डिक्शनरी का, लेन डिक्शनरी के लेंथ के लिए, स्ट्रिंग कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू प्रिंटेबल स्ट्रिंग, टाइप डिक्शनरी का टाइप चेंज करने के लिए, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर इट इज यूज टू डिलीट ऑल द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी अपडेट डॉट डिक्शनरी अपडेटिंग इट अपडेट द डिक्शनरी बाय एडिंग द की वैल्यू पेयर ऑफ द अपडेटिंग डिक्शनरी। इस जो अपडेट डिक्शनरी, ये डिक्शनरी अपडेट हो जाएगा इस डिक्शनरी के की पेयर वैल्यू से। और डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी में क्या होगा, डिक्शनरी का कॉपी हो जाएगा। देखते हैं ये वाला कर, कॉपी वाला करके देखेंगे हम लोग। डी वन इज इक्वल टू डी डॉट कॉपी, डी डॉट कॉपी प्रिंट डी वन। देखिए ये भी सेम कॉपी हो गया ना। तो चलिए यही था हमारी, तो छोटे छोटे फंक्शन है जो हम लोग पहले भी सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं, जिसको आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो यही था मेरा डिक्शनरी, हमारा डिक्शनरी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।